हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जर की दुनिया में। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा किस तरह से हम दार्जिलिंग पहुंचे और फिर नेक्स्ट डे निकले साइट सीइंग के लिए। सबसे पहले हम पहुंचे जिसके लिए दार्जिलिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, टी गार्डन। हम जब पहुंचे तो बादल थोड़ा क्लियर था, बट कुछ ही टाइम के बाद क्लाउड्स बहुत सारे आने लगे एंड फिर हम चले नीचे की तरफ। रास्ता थोड़ा सा स्कैरी था, सो आई वॉज कंसर्न कि मम्मी कैसे नीचे आएगी। फिर पता चला मम्मी तो नीचे आएगी नहीं, वो ऊपर ही बैठे रहेंगी। तब तक हम लोगों ने पहना दार्जिलिंग का वेरी फेमस टी गार्डन ड्रेस। बहुत ही भीड़ था और सब लोग फोटो खिंचवा रहे थे और रास्ता भी उतना क्लियर नहीं था, सो वी डिसाइडेड कि जितना हो सके कैप्चर कर पाऊँ आप लोगों के लिए मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। ड्रेस पहनने के बाद मैंने और दीदी ने मिलकर बहुत सारे पिक्चर्स लिए और फिर हम चले ऊपर की तरफ जहाँ मम्मी बैठी थी और वहाँ पे मिल रहा था मोमोज और मैगी। ये कुछ पिक्चर्स थे जो मैंने और दीदी ने क्लिक करवाए थे। गार्डन के सामने ही वहाँ पे एक छोटी सी स्टॉल लगी हुई थी जहाँ पे चाय पत्ती मिल रहा था और हमने तो शॉपिंग ऑलरेडी गैंगटॉक से कर लिया था, बट स्टिल वी टुक सम पैकेट्स कि हम लोग गिफ्ट कर सकें। हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली ने हमें बताया था कि दार्जिलिंग थोड़ा सा एक्सपेंसिव है कंपैरिजन टू गैंगटॉक, सो हमने सारा शॉपिंग पहले ही गैंगटॉक से कर लिया था। वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन शॉपिंग में था। चाय वाय पीने के बाद हम निकले हमारे नेक्स्ट स्पॉट के लिए कि जो कि उतना खास था नहीं। ये था एक बड़ा सा रॉक जिसका नाम था टेंजिंग रॉक। लोग पैसे देकर रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे, सो वी डिसाइडेड उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पास में ये शॉपिंग का एरिया बना हुआ था तो हमने वहाँ पर कुछ शॉपिंग किया। बट अगर आप लोगों को शॉपिंग करना हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप गैंगटॉक से शॉपिंग कर लो, क्योंकि दार्जिलिंग थोड़ा सा गैंगटॉक से महंगा था। अगर आपको शोपीस और डेकोरेटिव आइटम्स लेना है तो आप न्यू जलपाईगुड़ी के स्टेशन से भी ले सकते। गाड़ी में फुल ऑन मस्ती करने के बाद हम निकले हमारे एक और साइट सीइंग की तरफ। ये भी एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री था, इसका नाम था पीस पगोड़ा। दिस दार्जिलिंग पीस पगोड़ा इज वन ऑफ 80 सिमिलर स्टूपास अराउंड द वर्ल्ड डेडिकेटेड टू पीस। ये वाली मोनेस्ट्री भी बहुत ही सुंदर थी। आसपास सिर्फ लंबे लंबे टॉल पाइन ट्रीज थे और बीच में ये मोनेस्ट्री। जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रही थी मुझे थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बट सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है। जस्ट लुक एट इट गाइज, बनाने वाले ने बहुत खूबसूरती से ये बनाया है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाने के बाद हम निकले हमारे नेक्स्ट स्पॉट के लिए जो था रॉक गार्डन। दिस वॉज वन ऑफ द फेवरेट ऑफ माइन, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर था और बहुत ही विशाल था। इफ़ यू सी द वीडियो यू विल गेट टू नो कि ये कितना बड़ा था। आप जितना देख रहे हो उससे भी कई ज़्यादा ऊपर ये वाटरफॉल था, पर हम लोग चढ़ नहीं पाए उतना। फिर ऑब्वियसली भूख लगी थी तो हमने कुछ खाया, जैसे कि अंडा ब्रेड खाया, फिर वी हैड छोला पूरी एंड मोमोज। फिर
फिर हम पहुँचे दार्जिलिंग का मॉल रोड, वहाँ पे हमने करा कुछ शॉपिंग। फिर हम लोगों ने लिया भुट्टा, दो भुट्टा 80 रुपीज़ का था। फिर हम लोगों ने बार्गेनिंग करा और फिर 70 रुपीज़ में दो भुट्टा मिला, मतलब एक 35 का था। ये था हमारा होम स्टे जो हम लोग नेक्स्ट 2 दिन के लिए इसमें रुकने वाले थे। तो ये है एक रूम जो हम लोगों ने लिया है, दिस इज बेसिकली अ होम स्टे। सो हमने होम स्टे लिया है, 4 रूम का होम स्टे है। दिस इज द वॉशरूम और टॉयलेट किचन से, सो दैट्स इट। एंड देन दिस इज द स्पेस। सो ये एक रूम हम लोगों ने लिया है, आई शो यू द अनदर रूम आल्सो। तो हम लोगों ने टोटल 4 रूम लिया है। यहाँ से पूरा व्यू दिखता है, जस्ट अ सेकंड। सो यहाँ से पूरा व्यू दिखता है, बट अभी कुछ क्लियर है नहीं। ये दूसरा रूम है, ये है तीसरा रूम, दैट्स द तीसरा रूम है। ये टोटल 4 रूम लिया हमने। ये एक है यहाँ से, एंड देन आई शो यू द रूम विच वी आर स्टेइंग एट। ये रूम है जो हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द रूम वी आर स्टेइंग एट। सो गाइज, एज आई टोल्ड यू ऑल, इट्स अ होम स्टे। डिनर रेडी हो गया है एंड दोज पीपल आस सबको नीचे बुलाया है खाने के लिए। तो वील गो एंड हैव डिनर नाउ, आई विल शो यू वॉट इज़ देयर इन द डिनर। एक्चुअली उन्होंने पहले से पूछ लिया था कि क्या खाना है, उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने डिनर प्रिपेयर किया है। सो खाने में हम लोगों ने बोला था नॉन वेज में चिकन और वेज में भिंडी, सो इट वाज होम कुक्ड एंड इट वाज डिलीशियस। खाने के बाद हम सभी सो गए क्योंकि नेक्स्ट डे हमें जाना था नेपाल। नेक्स्ट व्लॉग में आप देखोगे किस तरह से हम पहुँचे नेपाल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।